हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनैलिटी। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? सो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर विच अफेक्ट योर बिहेवियर, कॉन्टेक्स्ट टू योर मैरिज, जॉब प्रोस्पेक्टस, अचीवमेंट एक्सेट्रा। सो हम यूजुअली जब भी देखते हैं, कई बार हम क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें यूज़ करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है या फिर इसकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है। सो पर्सनैलिटी किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ आपके लुक्स से होती है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपकी जॉब क्या है, जैसे डॉक्टर की पर्सनैलिटी अलग होती है, अगर कोई बैंकिंग में है तो उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, मैरिज जिसकी हो चुकी होती है उसकी पर्सनैलिटी डिफ्रेंशिएट करती है अनमैरिड पर्सन से, अचीवमेंट वगैरह। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सनैलिटी को बनाने में। अगर आप सक्सेसफुल हो तो ऑब्वियसली आपकी लुक्स अच्छी होंगी, आपकी क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स अच्छे होंगे। सो क्या आपकी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस, आपका जॉब प्रोस्पेक्टस, आप किस जॉब में हो, आप किस सेक्टर में हो, या फिर आप मैरिड हो या नहीं हो, वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को मिल, उन सब चीज़ों को के फैक्टर्स से मिलकर पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन पर्सनैलिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है या फिर प्रॉपर मीनिंग क्या है? पर्सनैलिटी इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर। कि पर्सनैलिटी, अब हमने क्या किया कि पर्सनैलिटी एक अकेले लुक्स से नहीं बनती कि हम बाय लुक ये कह दें कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है और इसकी अच्छी नहीं है। वो सारी चीज़ों को मीन्स उसमें सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे मैरिज है, जॉब है, एजुकेशन है, सक्सेस है, अचीवमेंट है। लेकिन क्या एक मीन्स अगर हम दो पर्सन्स को लें, दोनों की एजुकेशन सेम है, दोनों की मैरिज हो चुकी है, तो क्या दोनों की पर्सनैलिटी सेम होगी? नहीं। पर्सनैलिटी है क्या कि सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे फीचर्स एक पर्सन के जो उसे दूसरे से अलग बनाते हैं। कि सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है क्योंकि सबका मीन्स सबकी कोई ना कोई फैक्टर उनका एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कोई सिंसियर होता है तो कोई नोटी होता है, तो वो सब क्या है कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको एक दूसरे से अलग बनाती हैं, वो क्या है? पर्सनैलिटी है। इट डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड परसोना विच मीन्स मास्क। कि पर्सनैलिटी जो वर्ड है, ये जो इंग्लिश वर्ड है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? एक लेटिन वर्ड से जो है परसोना। और परसोना का मतलब क्या होता है? मास्क। कि एक तरीके से आपके आपने जो चेहरा कवर किया हुआ है वो क्या है? मास्क कवर किया, वो क्या आपकी पर्सनैलिटी है। बिलीव्स रिगार्डिंग पर्सनैलिटी। कि पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग क्या बिलीव्स हैं, क्या चीज़ें मानी जाती हैं या फिर मानी जाती थी। सो ट्रेडिशनली देयर वॉज बिलीव, कि पहले क्या बिलीव था, दैट पर्सनैलिटी इज इनहेरेंट। कि इसका मतलब क्या है कि बाय बर्थ, जब आप मीन्स बर्थ लेते हो, आपकी जीन्स में ही पर्सनैलिटी होती है, वो बाद में नहीं बनती। जो आपकी जीन्स में होगी वही पर्सनैलिटी आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी, ये ट्रेडिशनली माना जाता था। एंड यू कैन नॉट चेंज इट। कि एक बार बर्थ के टाइम जो जीन्स में आपके पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही रहेंगी, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। चाहे आप कितने ही एफर्ट्स लगा लो, वो सारे एफर्ट्स क्या रहेंगे? फ्रूटलेस रहेंगे। इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल ऑफ द एफर्ट टू चेंज योर पर्सनैलिटी इज फ्रूटलेस। कि फ्रूटलेस रहेंगे सारे, उनका कोई फायदा नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी ट्राई कर लो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए, बट वो वैसे ही रहेगी जैसे बाय बर्थ आपको मिली है, इनहेरेंट बाय योर पेरेंट्स और योर फोर फादर्स। ट्रेट्स मेड पर्सनैलिटी। अब हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्रेट। ट्रेट है क्या? ट्रेट मेड पर्सनैलिटी। की पर्सनैलिटी जो है, एक पर्सन की पर्सनैलिटी ट्रेट्स से बनी होती है। ट्रेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज एंड्यूरिंग इन नेचर दैट अपियर अगेन एंड अगेन एट वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। कि ट्रेट क्या है? एक पर्सन की वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो बार बार उसकी नेचर में दिखते हैं अलग अलग सिचुएशन में। कि अलग, अगर कोई इंटेलिजेंट है या फिर नॉलेजेबल है तो वो किसी भी सिचुएशन में हो, बार बार हमें उसकी मीन्स नॉलेज से हमें ये अट्रैक्ट करेगा कि हाँ, इसने ये सही डिसीजन लिया, ये नॉलेजेबल है। तो उसका ट्रेट क्या होगा? नॉलेजेबल। अगर वो एक बार उसने सही आंसर दे दिया या फिर एक बार उसका डिसीजन अच्छा रहा, लेकिन हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब उसका पर्सनैलिटी का ट्रेट नॉलेजेबल नहीं है। ट्रेट हमेशा वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो बार बार डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उस इंसान के अंदर, उस पर्सन के अंदर हमें शो होती है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक बिलीफ। अब हमने ट्रेडिशनल बिलीफ तो देख लिया, उसमें क्या माना जाता था कि वो इनहेरेंट है और उसे चेंज नहीं किया जा सकता। बट साइंटिफिक बिलीफ क्या कहता है? कि रिसर्च इज बिलीव्ड दैट द पर्सनैलिटी कैन बी चेंज्ड।
कि पर्सनालिटी को चेंज किया जा सकता है। ट्रेडिशनली में क्या था कि हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन साइंटिफिक बिलीफ के अकॉर्डिंग ये है कि हम पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कंसिस्ट करेगा, कि उसे बहुत लंबा टाइम चाहिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए। अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो, आपकी इंट्रोवर्ट ट्रेट है पर्सनैलिटी का, तो आपको एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो। साइंटिफिक रिसर्च से ये माना गया है कि हाँ, आप एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो, आप ओपन हो सकते हो, बट उसके लिए आपको लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को चेंज करने में। एंड इट इज़ इनहेरेंट एज वेल एज शेप्ड बाय एनवायरनमेंट। ट्रेडिशनली माना जाता था कि पर्सनैलिटी कम्प्लीटली इनहेरेंट होती है, बट अगर हम साइंटिफिक बिलीफ के अकॉर्डिंग देखें तो वो इनहेरेंट तो होती ही है, साथ साथ जो एनवायरनमेंट है वो उसे शेप भी करती है। इनहेरेंट मीन्स कि आपको बाय बर्थ मिली, लेकिन आप बर्थ के बाद कहाँ एग्जिस्ट करोगे? आप एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करोगे। एनवायरनमेंट में क्या आएगा कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं, सराउंडिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, वो सब आपकी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, शेप करते हैं। पर्सनैलिटी कॉन्शियसनेस। अब हमने पर्सनैलिटी का मीनिंग कर लिया, उसके रिगार्डिंग जो बिलीफ थे वो देख लिए, सो हमारा मेन टॉपिक आता है पर्सनैलिटी कॉन्शियसनेस। सो इसे समझने से पहले हम देखेंगे कि कॉन्शियसनेस क्या होता है। कई बार अगर हम वैसे डिक्शनरी मीनिंग देखें तो अगर हम अनकॉन्शियस बोले तो वो पर्सन है कि जैसे वो बेहोश होता है, जिसे किसी चीज़ का होश ना हो, वो क्या है? अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियसनेस क्या होगा कि जिसे हर चीज़ का होश है, मीन्स द स्टेट ऑफ बींग एबल टू सी, हीयर, फील एक्सेट्रा, कि एक ऐसी स्टेट कॉन्शियसनेस है जब आपको सब दिखाई भी देता है, आप फील भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो, वो क्या स्टेट है कि आप बेहोश नहीं हो। बेहोशी में क्या होता है कि आप ना तो कुछ आपको फील होता है ना आप सुनते हो, सो वो क्या है, आप कॉन्शियसनेस क्या हो कि आप कंप्लीट होश में हो। द स्टेट ऑफ रियलाइजिंग और नोटिसिंग दैट समथिंग एग्जिस्ट। कॉन्शियसनेस क्या है? एक ऐसी स्टेट है जब आप रियलाइज भी कर सकते हो, नोटिस भी कर सकते हो कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब हमने कॉन्शियसनेस का मतलब देख लिया कि एक ऐसी स्टेट जब आपको सब फील होता है, आप सब ये रियलाइज कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और पर्सनैलिटी क्या थी? पर्सनैलिटी इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। सो पर्सनैलिटी कॉन्शियसनेस क्या हुआ कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं, आप उन्हें फील कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो, जब आप उन चीज़ों को रियलाइज कर पा रहे हो, उन ट्रेट्स को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो आप एक पर्सनैलिटी कॉन्शियस पर्सन हो। सो पर्सनैलिटी कॉन्शियसनेस क्या हुआ? पर्सनैलिटी कॉन्शियसनेस इज अ लेवल ऑफ माइंड विच एनेबल you to understand us as well as other trait of personality। कि ये क्या है कि पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स होते हैं, आपके खुद के ट्रेट्स, और जब आप दूसरों के ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो, आप उनको नोटिस रियलाइज कर पा रहे हो, उनको कॉन्शियसली देख पा रहे हो, तो वो क्या है? पर्सनैलिटी कॉन्शियसनेस। इट इंक्लूड हाउ अ पर्सन इन्फ्लुएंस अदर एंड हाउ अ पर्सन अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एज वेल एज अदर। कि आपकी पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स होते हैं, आपके जो भी फीचर, आप सिंसियर हो, नॉलेजेबल हो, आप नोटी हो, टॉकटेटिव हो, जो भी हो, आपकी ये चीज़ें दूसरों पर हमेशा एक इम्प्रेशन डालती हैं, उसे एक अफेक्ट करती हैं। जब भी आप किसी की को फर्स्ट टाइम देखते हो तो आपके फर्स्ट इंप्रेशन आता है आपके माइंड में उसके रिगार्डिंग, और वो मीन्स आपके वो पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग होता है कि ये इस टाइप का पर्सन है, ये इस काइंड का पर्सन है। सो जब भी पर्सनैलिटी कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप पर्सनैलिटी के ट्रेट्स के रिगार्डिंग कॉन्शियस हो, आपको उनके बारे में, आप उन्हें नोटिस कर सकते हो और उन्हें समझ सकते हो, खुद की पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को एज वेल एज अदर्स, कि बाकियों की पर्सनैलिटी के भी ट्रेट्स को आप समझ सकते हो। पैटर्न ऑफ इनर एंड आउटर मेजरेबल ट्रेट्स। अब इनर एंड आउटर ट्रेट्स क्या होते हैं? इनर ट्रेट्स होते हैं जो मीन्स इनसाइड, जैसे सिंसियरनेस, ये क्या है, और आउटर फिजिकल लुक, यानी कि इनर ट्रेट्स क्या है कि जैसे सिंसियरिटी है, नॉलेज है, ये सब क्या है, हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं बट हम इन्हें देख नहीं सकते। ऐसे ही आउटर क्या, हमारा फिजिकल लुक, हमारे हेयर्स, हमारी आईज, सो दोनों ट्रेट को मिला के हम एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। Personality consciousness includes how much you know and understand yourself as well as other personality। कि personality consciousness क्या है कि कितने अच्छे से आप खुद की personality और दूसरों की personality को समझते हो। जितना better आप खुद की और दूसरों की personality को समझोगे, उनकी characteristics और उनके trait को समझोगे, उतने ही ज़्यादा आप personality conscious रहोगे।
हाउ टू टेस्ट पर्सनैलिटी कॉन्शियसनेस। अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम पर्सनैलिटी कॉन्शियस हैं या नहीं, कि पर्सनैलिटी कॉन्शियस कौन है, कौन उनको अच्छे से नोटिस और रियलाइज कर पा रहा है, उसे हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए दो पॉइंट्स हैं, अ डिजायर टू क्रिएट अ फेवरेबल फर्स्ट इंप्रेशन इन अ पर्सन, अ डिजायर टू जज एक्यूरेटली द पर्सनैलिटी ऑफ अदर। हम जब पर्सनालिटी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि हमें खुद को समझना कि खुद की पर्सनालिटी क्या है हमारी, और दूसरे की पर्सनालिटी को समझना। तो सेकंड पॉइंट तो यही है, अ डिजायर टू जज एक्यूरेटली द पर्सनालिटी ऑफ अदर्स, कि दूसरे की पर्सनालिटी को, दूसरे के पर्सनालिटी के ट्रेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना। और अ फर्स्ट क्या है, अ डिजायर टू क्रिएट अ फेवरेबल फर्स्ट इंप्रेशन इन अ पर्सन। अब आपकी जो पर्सनालिटी होगी, अगर आपको ये पता है कि आप कैसी पर्सनालिटी है आपकी, आपके क्या ट्रेट हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग ही सामने वाले के अंदर एक फर्स्ट इंप्रेशन डालना चाहेंगे। हर कोई चाहता है कि जब भी वो किसी से मिले तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा अच्छा हो, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सो क्या है कि आप हमेशा चाहते हो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो, और वो किस तरीके से होगा, फर्स्ट इंप्रेशन किस चीज से होता है, आपकी पर्सनैलिटी से। सो आपकी पर्सनैलिटी हमेशा मैटर करती है, और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को अच्छे से समझते हो तभी आप फेवरेबल फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट किस चीज को शो कर रहा है, कि आप अपने आप को कितने अच्छे से समझते हो। अ डिजायर टू क्रिएट अ फेवरेबल फर्स्ट इंप्रेशन इन अ पर्सन, यू ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन फॉर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन अदर्स एज इट इन्फ्लुएंस द रेपुटेशन टुवार्ड्स यू। कि जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आप हमेशा चाहते हो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छे से अच्छा हो, कि जितना ज्यादा अच्छा हो सके आप उतना ज्यादा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डालो। और ये क्यों करते हो आप, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, उसके माइंड में एक चीज और एक पिक्चर फिट कर देता है आपके रिगार्डिंग, जो आपकी रेप्यूटेशन को अफेक्ट करता है। फर्स्ट इंप्रेशन गिव एन आइडेंटिटी टू अदर्स अबाउट यू, कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या करता है, कि आपकी एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। कि अगर आपने किसी को देखा बट आप उसका नाम नहीं भी पता आपको, लेकिन आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या करेगा, आपके माइंड में एक आइडेंटिटी डाल देगा कि उस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी का पर्सन था वो। इट डिसाइड द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर हैविंग, कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या करता है। आप ये चीज खुद पे ही रख के देखो, जब भी आप किसी को देखते हो तो आपके माइंड में कोई ना कोई चीज आती ही है, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो वो क्या करता है, आपको बताता है कि किस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का सामने वाला इंसान या बंदा है। इट ऑल्सो अफेक्ट वट अदर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, कि आपकी पर्सनैलिटी को देख के ही लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, कि हम उनसे किस चीज़ की, किस टाइप की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के थ्रू होता है। तो ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है, कि लोग आपसे क्या अफेक्ट कर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इंप्रेशन, कि आप जितना आप अपने आप को अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छे से आप अपने जो ट्रेट्स हैं उन्हें शो कर पाओगे, और आपका फर्स्ट इंप्रेशन बेटर होगा। When we look someone first time, it immediately make an impression in our mind. कि जब भी हम किसी को first time देखते हैं, वो immediately उसी time हमारे mind में क्या करता है, first impression create करता है। Which can be according to your talking style, वो उसके बोलने के तरीके से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि means अगर हम North India में देखें तो हम किसी की fluent English देखते हैं ज़्यादा, तो वो हमें attract करता है, appearance attract करता है, कि वो कितने stylish look में है, या फिर वो traditional look कैसा है उसका, कैसा वो लग रहा है, फिजिकल लुक उसकी, बॉडी बिल्ड वो कितना फिट है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपके माइंड में अट्रैक्शन डालती हैं और फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। हाउ टू फॉर्म गुड फर्स्ट इंप्रेशन, कि हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें, लेकिन हम एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन कैसे डाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल अपीयरेंस, कि जब भी कोई आपको देखता है फर्स्ट टाइम, तो ऑब्वियसली वो आपके बोलने या तरीके, वो चीजें सेकेंडरी में आएंगी। सबसे पहले तो आपकी लुक ही मैटर करती है, कि आप एक जब आपको सामने वाला फर्स्ट टाइम देखेगा तो सबसे पहले तो आपकी लुक ही देखेगा ना। सो आपका फिजिकल अपीयरेंस हमेशा अच्छा होना चाहिए। इट इंक्लूड ओवरऑल अपीयरेंस टू क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन सच एज ड्रेस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड योर बॉडी बिल्ड। कि फिजिकल अपीयरेंस में ऐसा नहीं कि आपकी आउटफिट क्या है या फिर आपका अटायर क्या है, उसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी बिल्ड, कि आप कितने हेल्दी, कितने फिट हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड योर गेस्चर्स, कि आपके गेस्चर्स क्या है, आप कैसे मीन्स कौन से साइन यूज कर रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी फिजिकल अपीयरेंस होगी उतना ज्यादा अच्छा आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा।
नेशनैलिटी ऑल्सो मेक फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन अदर्स वैन यू मीट समवन फर्स्ट टाइम. कि नेशनैलिटी मीन्स जिसके रिगार्डिंग हर एक के माइंड में कोई ना कोई एक ड्रीम नेशन होता है. ऐसे जो भी आपका नेशन है वो सामने वाले पर्सन के ऊपर क्या करता है, नेशनैलिटी का एक इम्प्रेशन डालता है. मीन्स अगर आप अमेरिका से हो तो वो क्या है, एक वर्ल्ड पावर है, वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है. सो उसकी अगर हमें कोई अमेरिकन पीपल मिलता है तो उसके सामने हमारा इम्प्रेशन अलग ही होता है, उसके लिए हमारे माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा ही आता है. सो नेशनैलिटी क्या है, वो हमेशा अफेक्ट करती है. बिहेवियर, नो डाउट बिहेवियर अफेक्ट योर फर्स्ट इंप्रेशन. इट इंक्लूड योर काइंडनेस, एंगर, पोलाइटनेस, सिंसियरिटी. कि आपका बिहेवियर क्या है, आपका नेचर क्या है, ऑब्वियसली आप फर्स्ट इंप्रेशन को अफेक्ट करता है. जब भी आप किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हो, अगर आप उससे बात कर रहे हो, आपका बिहेवियर क्या है, वो हमेशा उसके माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन को अफेक्ट करेगा. कि आप पोलाइट हो, आप जल्दी, आपको गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, काइंड हो, सिंसियरिटी है, मीन्स आपके जो बिहेवियर के ट्रेड्स हैं वो हमेशा मैटर करते हैं. इट इंक्लूड ऑल दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूअर्स. कि आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करता है. प्राइमरी यानी कि जो बार बार आपके बिहेवियर में दिख रही है, एंड सेकेंडरी जो किसी किसी सिचुएशंस में आपका बिहेवियर शो होता है. मीन्स कई बार किसी को ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. सो वो क्या है, उनकी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है. एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है, कि हम सिंपली बोल देते हैं कि इसमें एटीट्यूड है, ये नहीं है, वो क्या है, वो एरोगेंस को हमने एटीट्यूड बना दिया. बट एटीट्यूड एंड एरोगेंस दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं. इट मीन्स हाउ यू बिहेव. एटीट्यूड में हम क्या इंक्लूड करते हैं, हाउ यू बिहेव, यू फील एंड थिंक अबाउट समवन. कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते एंड उसके साथ कैसे बिहेव करते हो, ये सारी चीज़ें एटीट्यूड के अंदर आती हैं. योर एटीट्यूड ऑलवेज अफेक्ट द फर्स्ट इंप्रेशन. कि आपका कैसा एटीट्यूड है उस रिगार्डिंग, उस पर्सन के रिगार्डिंग हमेशा अफेक्ट करता है. इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एंड इट कैन टुवार्ड्स एनीथिंग. कि एटीट्यूड किसी के भी टुवार्ड्स हो सकता है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है. अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो फेवरेबल इंप्रेशन होगा, नेगेटिव होगा तो अनफेवरेबल इंप्रेशन होगा. ट्रेट्स, ट्रेट्स आर एंड्यूरिंग फीचर विच सीम्स अगेन एंड अगेन इन वेराइटी ऑफ सिचुएशन इज ऑल्सो अफेक्ट योर पर्सनैलिटी फर्स्ट इंप्रेशन. कि ट्रेट्स क्या थे, ट्रेट्स कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में बार बार दिखते हैं. सो ऑब्वियसली वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट, क्योंकि अगर आपके ट्रेट्स वही होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में अगेन एंड अगेन शो होते हैं. सो जब भी आप किसी के फर्स्ट इंप्रेशन होगा, ऑब्वियसली आपके ट्रेट्स शो होंगे, और वो भी क्या करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन को अफेक्ट करेंगे. जितने बेटर आपके ट्रेट्स होंगे, उतनी ही बेटर आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा. हाउ यू आर एबल टू जज अदर्स एक्यूरेटली. अब हमने फर्स्ट कर लिया कि डिजायरेबल फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए. सेकेंड क्या है, हाउ यू आर एबल टू जज अदर्स एक्यूरेटली. कि आप कितने एबल हो किसी और को अच्छे से एक्यूरेटली जज कर सकते हो. कि किसी और के पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, उन्हें आप एक्यूरेटली जज कर रहे हो, वो उसमें आप कितने एबल हो, आप में कितनी एबिलिटी है. इट माइट बी इन योर स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस, एवरीवेयर इन अ सोशल सेटिंग. कि जहाँ पर भी ये कहीं पर भी हो सकता है, जहाँ पर भी सोशल सेटिंग है. कि आपके स्कूल में आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने टीचर्स की पर्सनालिटी को कितना अच्छे से समझ रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस पे आपके पीयर्स हैं, आपके जो सुपीरियर्स हैं उनको कैसे समझ रहे हो, कॉलेजेस में, जहां पे भी आप हो, यूनिवर्सिटीज, हर जगह जहां पे भी सोशल सेटिंग है, आप कितने एक्यूरेटली दूसरों को जज कर रहे हो, वो क्या होता है, हाउ यू आर एबल टू जज अदर्स एक्यूरेटली, वो आपकी पर्सनैलिटी कॉन्शियसनेस को टेस्ट करता है. एबिलिटी टू जज अदर्स इज अ गुड क्वालिटी ऑल्सो. कि एबिलिटी, जितना हम दूसरे को अच्छे से जज कर सकेंगे, ये गुड लीडरशिप क्वालिटी भी होगी. क्योंकि आप फिर लीडरशिप कर सकते हो, क्योंकि आप समझते हो कि दूसरे की पर्सनालिटी क्या है, उनके ट्रेट्स क्या हैं. एबिलिटी टू जज अदर्स इंक्लूड हाउ एक्यूरेटली एंड हाउ मच यू अंडरस्टैंड द फीलिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अदर्स. कि इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, कि आप कितने अच्छे से दूसरे की पर्सनैलिटी को और उनकी फीलिंग्स को समझते हो. जितना ज़्यादा आप अच्छे से समझते हो, उतने ही ज़्यादा आप पर्सनैलिटी कॉन्शियस हो. ऑब्स्टेकल इन जजिंग अदर्स. लेकिन क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं दूसरों को जज करने में. रियल वर्सेज मैनिफेस्ट. कि रियल वर्सेज मैनिफेस्ट क्या है, कि कई बार लोगों की रियलिटी अलग होती है और वो शो कुछ और करते हैं. रियल वर्सेज रियल लाइफ कह सकते हैं हम. कि कई बार जो वो दिखाते हैं वो उनकी पर्सनैलिटी नहीं होती. इस वजह से क्या होता है कि हम उन्हें एक्यूरेटली जज नहीं कर पाते, हम मिस्टेक कर देते हैं उन्हें जज करने में. क्योंकि वो अपनी रियल साइड हमें शो ही नहीं करते, वो अपनी एक मैनिफेस्ट और रियल साइड शो करते हैं.
कल्चरल स्टेरोटाइप्स, इसका मतलब क्या होता है कि एक कल्चर के रिगार्डिंग सबकी एक थिंकिंग बन जाती है। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है, अगर उस ग्रुप में एक ऐसा लीडर है जो सबके साथ लड़ता रहता है, तो उस ग्रुप के रिगार्डिंग ही सबकी थिंकिंग क्या हो जाएगी कि इससे बात मत करो, ये तभी लड़ने लग जाते हैं। सो वो क्या है, स्टेरोटाइप्स। सो इन स्टेरोटाइप्स की वजह से क्या होता है कि अगर हमने ग्रुप को ऐसा मान लिया कि ये सभी के ये तो लड़ता ही रहता है, लेकिन क्या उस ग्रुप में जितने भी पर्सन इंक्लूड हैं ऐसे ही होंगे? वो क्या है, हमने स्टेरोटाइप बना लिया। इसका मतलब हम उनकी पर्सनैलिटी को अच्छे से जज नहीं कर सके। सो ये भी क्या है, अफेक्ट करता है, ऑब्स्टेकल डालता है दूसरों को अच्छे से जज करने में। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर एंड कीप सपोर्टिंग।